हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर दो कविता नहीं है, दो का ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत। क्वेश्चन नंबर तीन, इबादत का अर्थ है, तीन का ऑप्शन नंबर ए उपासना। क्वेश्चन नंबर चार, सुशीर वादों में सह की उपाधि प्राप्त है, चार का ऑप्शन नंबर डी सहनाई को, चार का ऑप्शन नंबर डी सहनाई। क्वेश्चन नंबर पाँच, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, पाँच का ऑप्शन नंबर डी सहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। क्वेश्चन नंबर छः, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई, छः का ऑप्शन नंबर ए 21 अगस्त 2006 को। क्वेश्चन नंबर सात, फटा सुर ना बक्से लूंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है, सात का ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां की। क्वेश्चन नंबर आठ, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है, आठ का ऑप्शन नंबर ए काशी में। क्वेश्चन नंबर नौ, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, नौ का ऑप्शन नंबर बी काशी। क्वेश्चन नंबर दस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, दस का ऑप्शन नंबर बी डुमराव बिहार में। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, नौबत खाना का अर्थ है, ग्यारह का ऑप्शन नंबर ए प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर बारह, उत्साद बिस्मिल्लाह खां को मिला है, बारह का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर तेरह, धुत पगली ई भारत रत्न हमको सहनाइयाँ पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, अपने शिष्य से किसने कहा, तेरह का ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां ने। क्वेश्चन नंबर चौदह, नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किसका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, चौदह का ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां का। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यत्रिंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है, पंद्रह का ऑप्शन नंबर ए चार जुराहे। क्वेश्चन नंबर सोलह, किस पुस्तक में भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यगना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है, 16 का ऑप्शन नंबर बी देवप्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, 17 का ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 18,
नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन के रुसिया अंतर्मन की बुनावट संगीत साधना आदि गहरे जीवन अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां के। क्वेश्चन नंबर 19 व्यक्ति चित्र है। 19 का ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ। 20 का ऑप्शन नंबर बी 1916 में। क्वेश्चन नंबर 21 कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे। 21 का ऑप्शन नंबर डी शमसुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 22 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। 22 का ऑप्शन नंबर बी पुराना बालाजी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 23 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए थे। 23 का ऑप्शन नंबर सी काशी आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी रीड नरकट का। क्वेश्चन नंबर 25 रसूल नवाई थी। 25 का ऑप्शन नंबर सी गायिका। क्वेश्चन नंबर 26 बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था तो 26 का ऑप्शन नंबर सी कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 27 डॉट डॉट का नाम जुड़ा है। 27 का ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम से। क्वेश्चन नंबर 28 काशी किसकी पाठशाला है। 28 का ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 29 बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां किसके निवासी थे तो 29 का ऑप्शन नंबर ए डुमराव के। क्वेश्चन नंबर 30 अमरुद्दीन नाम किसका था। 30 का ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खां का नाम अमरुद्दीन था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म तो ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विद्या है। 4 का ऑप्शन नंबर सी निबंध। क्वेश्चन नंबर 5 भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया तो 5 का ऑप्शन नंबर बी ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है तो 7 का ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं तो 8 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता
भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12 समाज और राजनीति में बृहद, समाज और राजनीति में बृहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? 12 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? 13 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? 14 का ऑप्शन नंबर ए इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? 15 का ऑप्शन नंबर बी दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर सोलह लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? 16 का ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा को लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण मानते हैं।